अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अशफाक अली। कुछ दिन कबल, जैसे आप लोगों ने देखा था कि पैरामाउंट कॉलोनी में कुछ जो है नाइजीरियंस भाई फंसे हुए हैं आकर। इससे पहले झगड़े की बहुत बड़ी वारदात वहाँ से आई थी, लोगों को जो है गैदरिंग बना के मारा जा रहा है। और अब जो है इस वक्त एक नई खबर आ रही है वहाँ से कि कुछ लोग नाइजीरियंस कुछ लोग हैं जो जिस्म फरोशी का कारोबार कर रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पूरे जो है एकदम डिसेंट और NRI लोग ज़्यादा बसे हुए हैं, जिससे उन सबको दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे रमज़ान के पाक महीने में अगर ऐसा अगर चलेगा बस्तियों में तो काफ़ी परेशानी होगी। कि वो वहाँ के तमाम लोगों का कहना यह है कि नाइजीरियन को पूरों को यहाँ से हटा देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे लोगों को यहाँ से बर्खास्त करना। ये लोग जो है वहाँ पर कॉलेज के नाम पर वहाँ रहकर क्या क्या कर रहे हैं अंदर पता नहीं है, क्योंकि कई लोग जो है रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं। ऐसी न्यूज़ है हमको कि कई लोग रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं, कोई लोग जो है कॉल गलोन्स को घर पे बुलाकर काफ़ी जो है ऐसे गैर गलत काम किए जा रहे हैं। कि हुकूमत को चाहिए इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देखें, उन सब नाइजीरियों के जो है पासपोर्ट वगैरह चेक करके इन लोगों को यहाँ से फौरी हटाएं। आइए देखते हैं आगे की कुछ मजीद तफसीलात। भाई तुम चार्ट करो जी जरा। मैं रहता था मुझे भाई गाटर मुझे गाटर। हाँ